और शिव महापुराण का यजमान अगर कोई बना है तो शिव महापुराण का यजमान कोई साधारण कोई नहीं बन पाया। जब तुमरुका जी नारद जी के परम मित्र तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा अभी आप आगे सुनेंगे चंचुला देवी के कहने पर करी, तो चंचुला ने कहा मैं यजमान पद किसको दूं, मैं किसको जोड़े से बिठाऊं, मैं किसको गठजोड़ा बांध कर बिठाऊं जो शिव महापुराण की कथा का मुख्य यजमान बन जावे। तब भगवान शंकर और पार्वती स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण करने बैठे। भागवत के यजमान तो परीक्षित बन गए, सहजता है। शिव महापुराण देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं पाया। होता है हम अच्छे कुल में जन्म ले लिए, हम अच्छे घर में जन्म ले लिए, भगवान ने सारा ठाट दे दिया, सारी संपदा दे दी, सब कुछ दे दिया। ईमानदारी से बताओ पहले की माताएं तो घर में मट्टी का चोला था उसको पोतती, उसमें लीपती और उसके बाद भोजन बनाती। घर में मट्टी के बर्तन थे, अब तो स्टील तांबा पीतल सोना चांदी के बर्तन हो गए। घर में हाथ से कपड़े धोए जाते थे, अब वॉशिंग मशीन हो गई। घर में ठंडा रखने के लिए दही बनाने के लिए भी ठंडा रखना है तो उसको ठंडे स्थान पर रखना पड़ता था, आज के जमाने में फ्रिज हो गया। घर में इतने नौकर चाकर, घर में सारी संपदाएं, हम फ्रिज क्यों लाए, क्योंकि हमारे घर में हम एकदम थोड़े फ्री हो जाएं। हम वॉशिंग मशीन क्यों लाए कि थोड़ा फ्री हो जाए। हम कपड़े धोने वाली बाई क्यों लगाएं कि हम थोड़ा फ्री हो जाए। हमने घर में नौकरानी क्यों लगाई, हम थोड़ा फ्री हो जाए। हमने घर में सेविका क्यों लगाई, हम थोड़ा फ्री हो जाए। हमारे घर में थोड़ी शांति रहे, क्योंकि चार बहुएं हैं, अगर एक करेगी एक नहीं करेगी तो अशांति होगी। तो हमने नौकर चाकर वॉशिंग मशीन फ्रिज कूलर बंगला सब कुछ अपने को सुख पाने के लिए करा। पर ईमानदारी से बोलो सारा घर में ठाट है, सब कुछ घर में है, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, कहां गई? क्यों? सब फ्री हो गए, मंदिर कोई जाता नहीं है, देवालय कोई जाता नहीं है। आज के जमाने में इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं, इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं, उनको देख देख कर दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि मंदिर तो बनते चले जा रहे हैं पर उनमें जाने वालों में संस्कार नहीं होंगे, तो मंदिर में जाएगा कौन? अकेला पंडित घंटी हिलाएगा और पंडित ही आरती करेगा, कौन सा लाभ होगा? पहले बच्चों में ऐसा संस्कार उत्पन्न करो, हमारे घर में बच्चे बहुएं बेटियां जो हैं उनमें ऐसा संस्कार उत्पन्न करो कि जाओ रोज प्रतिदिन मंदिर में जाइए, रोज प्रतिदिन मंदिर में प्रणाम करने जाइए, माता पिता को दंडवत करिए, बड़ों बुजुर्गों को साष्टांग करिए और मंदिर में जाकर संत साधु संन्यासी जोगी तपस्वी को नमन करिए, मंदिर में जाकर भगवान की मूर्त का श्रृंगार दर्शन करिए, भगवान का प्रणाम करिए, रोज मंदिर भेजो। अगर बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं, मंदिर तो बन गए देर बन जाएंगे, जाएगा कौन संस्कार नहीं होंगे तो। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।